Bienvenido. In the afternoon, अभी तक मैंने कुछ शूट नहीं किया है एंड द प्रेशर ऑफ अपलोडिंग टूडे इज गेटिंग ऑन माई हेड. जब आप डेली व्लॉग करते हैं तो कभी कभी प्रेशर बहुत ज़्यादा आता है, कभी कभी दिमाग में कुछ आइडिया नहीं आता है, आपके लाइफ में कुछ नहीं हो रहा होता, आपकी तबीयत ठीक नहीं होती, आपका चिड़चिड़ा मूड होता है. बट देन जस्ट द प्रेशर ऑफ दैट 11 o'clock टाइम एंड वो दिमाग में प्रेशर बनता है कि लोग ट्वीट करेंगे, लोग डीएम करेंगे, भाई व्लॉग का है, भाई व्लॉग का है. और अभी टाइम बहुत कम है और अगर मैं 11 बजे अपलोड करता हूँ तो भाई मैं 8, 8:30 तक मैं एडिट टेबल पे बैठ जाता हूँ और नॉन स्टॉप काम करता हूँ. तो मेरे पास अभी 4 से 8 चार घंटे ही हैं कुछ शूट करने को, घंटा कुछ शूट नहीं किया. सो इफ आई स्टिल अपलोड टुडे दैट मीन्स आई कैन अपलोड इवन इफ आई हैव 0 कॉन्टेंट. मैंने से आज के व्लॉग में कंटेंट नहीं है भाई, मैं दिल पे बिल्कुल नहीं लूँगा, बेझिझक हो गए लेको है. ओह ये केलों को देखो, ऐसा लग रहा है इंजेक्शन लगवा सालों ने. अरे मेरा छोटा गोलू उठ के आ गया, नीनी हो गई पूरी भाई. देख मैंने अभी तक कुछ शूट नहीं किया है, 4 बज गए. मैंने आज लोगों को बोल भी दिया, चाहे मेरे पास कंटेंट हो चाहे ना हो, मैं कोशिश करूंगा ब्लॉग डालने की, भले 2 मिनट का ब्लॉग डालूं. चल रशू तेरे भी धोता, अपनी भी धोता हूँ. चल पापा ने मुझसे भी क्वेश्चन पूछा है, ऐसी कौन सी चीज है जो आदमी छुपा के चलते हैं औरतें दिखा के चलती हैं. ओ माय गॉड, शर्म मोटा. अच्छा है तू ऐसी सोच, मैं 10 मिनट का व्लॉग ऐसी बन जाएगा. पर्स आदमी जेब के अंदर रखता है, पीछे छुपा के चलता है, औरतें टांग के चलती है. कड़ू ये खुश हो, ये सब क्वेश्चन आ रहे हैं आज व्लॉग का कंटेंट बन रहा है. पागल है नहीं कोई. अशु हाउ मच डू यू वांट? 10. सुन जा रहा हूँ मैं, ठीक है? 5 बज गए यार, अभी मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ. भाई साहब कार देखो इसकी, अरे भाई साहब ऐसा लग रहा है इसके अंडरवेयर उतर गई है. यार कानपुर में जब मैं था तो फिर भी मैं 2 बार तो खुद डॉक्टर के पास गया था, एक बार जब रसभरी का बेचारी का हाथ टूट गया तब गया था डॉक्टर के पास. जब से मैं दिल्ली आया मैं पहली बार घर से बाहर निकला भाई कुछ काम के लिए. सोशल डिस्टेंसिंग की तारे लगा रखी हैं तो बहुत अच्छी बात है. बेटा POP दे देना, मुझे पता नहीं था कि भाई इतना मार्केट सब कुछ खुल चुका है, मुझे लगता था एसेंशियल ही खुली हैं. और चलो पान बीड़ी की दुकान तो बंद है, बहुत अच्छी है. चलो 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 भाई साहब, स्कूटर चलाते चलाते ना आंखों में पसीना टपक गया, टप इतनी तेज खुजली मची, इतनी तेज खुजली मची और चूल की आंखों में हाथ लगा लो, हाथ लगा लो, इतना रेजिस्ट करना पड़ता है ना. रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है लड़की ने तुम्हारी. अभी वैसे नहीं मतलब है तो आज कहीं नहीं जाने जा रहा है मैं, हम जो मेरे को काम करना प्रायोरिटाइज करो. नंबर ना को देख के हमें ऑन करके छोड़ दिया इसने को, पता है नंबर नंबर ऑन है ये ले लो मुंह बा हो गया. ये देख लो सही है. हाँ ठीक है चलो आ जाओ. आशु थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड. आपके पैर का वो दिया था ना इंप्रेशन, छोटा सा पैर था, दबाव नया नया चलना सीखे थे. रशु फैन कहाँ पे है? ये मेक अस बोथ कम क्रैशिंग टू द फ्लोर. कम टू राइट फीट, अब ये रखो ऐसे पैर रखो, ठीक है? चलो रश्मि ने क्या किया? फिर आटा जो बचेगा उसको नीचे हमारे घर के कुत्ते हैं और गाय हैं उनकी रोटियां बनाकर उनको दे देंगे. पूरा टाइट दबाओ ना. हेलो हो गया? तेरा पैर दबा दोबारा कर दिया. जाओ क्या हो गया रश्मि पैर में? पूता. आरशु नंबर 3 टाइम आ जाओ. कुछ करना नहीं, रुक जा रुक जा. हां
बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अशोक अब तुम बब्बे इसको हमने रख दिया बाहर ताकि जल्दी सूखे ये। बताए क्या हुआ? ठीक है, पापा के रूम में छुप गई है, पर्दे के पीछे छुप गई। हम लोग कह रहे रशी जैसे हम लोग खेलते हैं। अरे रशी को देखा किसी ने? रशी को देखा नहीं, रशी को तो किसी ने देखा, सामने छुपी थी। मैंने कहा रशी हाउ डज अ पिग डू, पर्दे के पीछे से रशी हाउ डज अ पिग डू ओइंक, रशी मूबा ला 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 मूबा रिमेम्बर दैट। एक मीम है ऐसा, अगर कोई बना सके वैसा मीम तो प्लीज बना के भेजो। ए टिंगू मास्टर का देखो इसको जरा, तेरी हिम्मत है ऊपर जाने की? पापा गए हैं, जाने दो उनको। ये तो हल्का है, क्या कह रही रशी? लो पापा। तो भाई अब मैं बात कर रहा हूँ सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, YouTube वर्सेस TikTok। मैंने सोचा था कि मैं इस बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ, फिर मुझे लगा नहीं मैं अपने व्लॉग्स ही बनाता हूँ। बट लोगों को अपना ओपिनियन देना मैं बहुत जरूरी समझता हूँ, क्योंकि जो मुझे लगता है आपको जानना चाहिए जो भी हुआ उस वीडियो के साथ। उससे क्या है, अब पूरा रोस्टिंग कल्चर के ऊपर, रोस्टिंग चैनल्स के ऊपर एक खतरा आ चुका है। और कैरी की वीडियो किसने डाउन करवाई? एक्चुअली कैरी ने जब रोस्टिंग वीडियो बनाने का अनाउंस किया था तो जिसके ऊपर वो रोस्ट कर रहा था आमिर के ऊपर, उसको भी कोई दिक्कत नहीं थी। ओके, इट वुड बी अ लवली अपॉर्चुनिटी कि कैरी मिनाटी मेरे को रोस्ट करेगा, मैं तो खुश हो जाऊंगा यार। आमिर ने कैरी को स्वाइप अप भी दिया था जब उसने रोस्ट वीडियो बनाई थी, हालांकि उसने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी, बेवकूफी करी, बट दिया उसने। बट इसमें सबसे ज्यादा गलती कैरी की थी, कैरी ने इतनी ज्यादा गालियां दी उस रोस्ट में। मैं वही कहता हूँ, रोस्टर्स को लगता है कि गाली देना रोस्ट करना होता है। ऑन दी अदर हैंड वो लोग हैं, उन्होंने कभी आज तक गाली नहीं दी, हमेशा उन्होंने प्यार फैलाया है, प्यार बांटा है एक दूसरे को। हमने तो बस इतना ही सिखाया कि एक दूसरे को सपोर्ट करके चलो, प्यार करते चलो, मेरे को किसी से नफरत नहीं, हेट नहीं। उसको तो मैं सीधा यही बोलने वाला हूँ, तेरी माँ को क्या जो तू कुत्ते की तरह भोंकते रहता है यहाँ पे यूट्यूब पे, तो ये को बताऊंगा मैं कि तू गाली जो दे रहा है ना वो गाली में पीएचडी करके बैठे हम लोग। कैरी ने भी आज से पहले किसी भी रोस्ट में एक भी गाली नहीं दी उसने, उसकी रोस्टिंग की शुरुआत एक भजन से होती थी, इतना सुशील लौंडा है वो। लेकिन इस वीडियो में उसने हद कर दी, गालियां मार मार के। सबसे बुरी बात जो मुझे लगती है कि मीमर्स इतना ज्यादा ट्रोल करते हैं टिकटॉकर्स को कि उनके पास कंटेंट नहीं है। भाई साहब टिकटॉक की ग्रोथ आज की डेट में, जो नेट ग्रोथ है, यूट्यूब बहुत पुराना प्लेटफॉर्म है, टिकटॉक बहुत नया प्लेटफॉर्म है, और जिस रेट से ग्रोथ हो रही है ना टिकटॉक की भाई, वो अनबिलीवेबल ग्रोथ है। और इस ग्रोथ से अगर टिकटॉक बढ़ता रहा तो अगले एक डेढ़ दो साल में वो यूट्यूब को पार कर लेगा। और तुम्हें क्या लगता है बिना कंटेंट के ये सब पॉसिबल है? सना बोल सना, ले चना, ये लो खा लो। निशा बोल निशा, ले भिक्षा। फैजल बोल फैजल, दे ढाई दाल। टिकटॉक पे हर बंदा एक ही चीज के पीछे भागता है, एक ही चीज के पीछे, दैट इज कंटेंट। टिकटॉक आज के डेट में ग्रोइंग प्लेटफॉर्म है और सब लोग ढूंढना चाहते हैं ग्रोइंग प्लेटफॉर्म के साथ। अगर तुम्हारे पास एक रिंग लाइट और एक फ्रंट कैमरा मोबाइल फोन है, तुम स्टार बन सकते हो। मस्ती को रखते साइड में, अब मैं करता हूँ कुछ सीरियस बात। कैरी एंटरटेनर है, कैरी का काम है रोस्टिंग करना, कैरी अपना काम कर रहा था। वो हर वीडियो में जिस स्टाइल से वीडियो बनाता है, उसने इस वीडियो को भी उसी स्टाइल में बनाया, लोगों ने एंजॉय किया, लोगों ने पसंद किया। प्रॉब्लम आती है कि इंडिया की जनता इतनी इमोशनल है कि वो अगर किसी चीज को हेट करते हो तो पूरे मन से हेट करते हो, अपना दिमाग लगाना भूल जाते हैं। जब कैरी ने इसको रोस्ट किया, हमारा काम था इसको एंटरटेनमेंट लेते, हाँ भाई हो गया, भूल जाओ, लाइक दे दो उसको, कमेंट सेक्शन में कर दो। लोगों ने इतनी ज्यादा हेट दिखाई, लोगों ने इतना ज्यादा जिसके अगेंस्ट बना वीडियो उस बंदे को, उसके दोस्तों को इतना टारगेट किया, लड़कियों को इतना टारगेट किया, उसको हेट जा रही। भाई किसी को भी इतना हेट अगर जाएगा तो कोई नहीं सह पाएगा। तुम लोग को लगता है बहुत इजी होता है सोशल मीडिया पे, ठीक है हेट आएगा, भाई तुमको अगर दिन के 10 लोग भी बोल देंगे ना कि तुम ऐसे हो तुम ऐसे हो, तुमसे झिलेगा नहीं, तुम सही में मेंटली डिप्रेस हो जाओगे। तो तुम लोगों की वजह से कैरी का वीडियो डाउन हो, क्योंकि तुमने इतनी ज्यादा हेट फैला दी पूरी कम्युनिटी में। अब तुम देख रहे हो क्या चल। जिस दिन कैरी का वीडियो डाउन हुआ था ना, सबको दुख हुआ था सिवाय एक लोग को छोड़ के, न्यूज चैनल वालों को, उनको तो ऑर्गेजम आ गया था, भाई कैरी का वीडियो डाउन हो गया। हेट फैलाना बंद करो, अभी भी बहुत सारे ऐसे वीडियो आएंगे, उनको देखो, एंटरटेन हो, अपना काम करो। लॉकडाउन के चक्कर में तुम लोग खाली बैठो, तुम लोग को काम नहीं है,
उसके कमेंट सेक्शन में गाली गलौज करोगे, यहाँ गाली गलौज करोगे, मत करो, इससे सिर्फ टॉक्सिसिटी फैलती है। भाई मीमर्स प्लीज इतना ज्यादा किसी को मत नीचा गिराओ कि बंदा सही में मेंटली डिप्रेस हो जाए। जो टिकटॉकर्स के होते हैं ये 20-22 साल के लड़के होते हैं, उस एज में मैच्योरिटी लेवल बहुत ही कम होता है। भाई हमारी एज में भी कोई इतना ज्यादा आपको यार, द नंबर्स आर ह्यूज ह्यूज, 70 मिलियन व्यूज थे उस वीडियो को, 10 मिलियन लाइक्स है, सोच 1,00,000 बंदा भी अगर किसी के कमेंट सेक्शन में जाकर उसको गाली देगा, उसको गंदी गंदी माँ बहन की ये निकालेगा, किसी को गंदे वर्ड्स देगा, लड़कियों को प्रोस्टिट्यूट बोलेगा, भाई कोई भी अपना मेंटली अनस्टेबल हो सकता है। भाई कोई बंदा रोस्ट बना रहा है तो उसको मजाक लो, इसमें इतना दिल पे लेने वाली क्या बात है। और देखो भाई जितना गाली गलौज करोगे ना, देखिए इसमें आपका ही नुकसान है, आपकी ही इज्जत कम हो रही है, कृपया करके ऐसे अश्लील काम ना करें। तो वीडियो जो कह रही है कि गई है, वो कह रही है कि फैंस की वजह से गई है, ये सच बात है, तुम लोग मान लो, तुम लोग अगर कह रही है कि फैन हो, तुम्हारी वजह से आज उस बंदे की लंका लग गई। उसका वीडियो मोस्ट लाइक वीडियो था, 70 मिलियन व्यूज थे जब उसमें वो डाउन हुआ, उसमें आराम से तीन दिन के अंदर 100 मिलियन व्यूज होते हैं और लाइक्स तो पता नहीं कहाँ जाते। तो प्लीज हेट कम फैलाए करो, इतना ही कहना था, बाय।